हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो हम सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिकली कंसेप्ट कर रहे हैं उसके अंदर देखो, लास्ट टाइम हमने टर्मिनोलॉजीज करी थी जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में आने वाली है, जो कि बेसिकली क्या थी हमारे पास, ये 6 टर्म्स थी। तो जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी वो समझ जाएगा कि आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। एक रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि पेशेंट डॉक्टर की विजिट है, ठीक है जी। मान लो आप या मैं एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उस टाइम टाइम बेस पे, ठीक है, टाइम बेस पे हमारे साथ जो चीजें सामने आती है, जो चीज करनी पड़ती है, जो चीज घटित होती है, ये कह लीजिए, वो बेसिकली उस चीजों को उठा के हम इन टर्म्स में डालेंगे, ताकि क्या हो, ये जो कंसेप्ट है आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बार बार कहा था 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है और फ्री के नंबर है। बट दिक्कत कहाँ है, अगर 6 टर्म में से भी कोई सी टर्म में आपको कंफ्यूजन हो गई, न्यूमेरिकल में कोई चीज निकालने को आएगी और वो ध्यान ना रहे कि कौन सा फॉर्मूला लगना था, तो टाइम टाइम फिश, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल लेंगे बड़ा प्यारा सा, कि मैं या आप कोई भी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जा रहा है, तो ये टर्म वहां पे कैसे फिट करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ये टाइमलाइन है हमारी, ठीक है। तो पहली चीज कि मैं या आप, ठीक है, समझ लो कोई प्रोसेस है, डॉक्टर के यहाँ पे सीपीयू, ठीक है, मैं या आप जो जा रहे हैं, पेशेंट क्या है यहाँ पे, प्रोसेस, और डॉक्टर क्या है, सीपीयू, ठीक है। तो उसी चीज को डालते जाएंगे। देखो, मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पहुंचा, ठीक है जी। पहली चीज, मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रहा हूं, मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में कदम कब रखा, मान लो 2 बजे, ठीक है जी, 2 बजे मैंने कदम रखा। यहां पे मैंने बना दी अपना, वही कहते हैं गृह प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे क्लिनिक कब प्रवेश कर रहे हैं हम, यहां पे क्लिनिक के अंदर जाके पॉइंट अपना पैर रख दिया, तो ये 2 बजे मेरा क्या होगा, अराइवल टाइम। भाई मैं डॉक्टर के पास दिखाने कब आया, 2 बजे। डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोसेस सीपीयू लेने कब आया मेन मेमोरी में, उसे क्या कहते हैं, अराइवल टाइम। मैं डॉक्टर के पास कब आया क्लिनिक में, क्या हो गया मेरा, अराइवल टाइम, यानी 2 बजे। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि डाउट और कम हो जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे 80, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 2 बजे। पहली चीज मिल गई जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सोच लो, ठीक है, ये डॉक्टर अंदर बैठा अपने क्लिनिक में, ये इसका कैबिन है, ठीक है जी, और यहां पे लगी है बहुत सारी चेयर और बंदे बैठे हुए हैं जी। आप अकेले ही थोड़ी ना हो, डॉक्टर की कमाई तो बहुत सारे पेशेंट से होगी, एक से नहीं होगी, ठीक है जी। वेटिंग में बैठे यहां पे सपोज कर लो, इंतजार कर रहे हैं, खा रहे पिए जो मर्जी कर रहे हो। यहाँ पे डॉक्टर अंकल जी बैठे हैं हमारे, ठीक है जी, ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब कंप्लीशन टाइम, ठीक है जी, पहला अगला पॉइंट समझते हैं। यहां पे समझ कर लो कि कुछ भी बीच में आपके साथ कुछ भी हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 2 बजे तो आप आ गए, आप डॉक्टर के क्लिनिक से कितने बजे निकले वो मान लो, इलाज करवा के अपना 6 बजे, ठीक है जी। 2 बजे आए, अराइवल हो गया, 6 बजे निकल गए, वो क्या होगा आपका, कंप्लीशन टाइम। इस कंप्लीशन टाइम को ध्यान रखिएगा, आपके अराइवल टाइम से कोई मतलब नहीं है, कंप्लीशन टाइम बाहर कब निकले, सीधी सी बात, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फाइनली कब खत्म हुआ, मतलब मेरा जो एग्जीक्यूशन था, इलाज था, फाइनली कब खत्म हुआ, मैं क्लिनिक से कब निकला, डॉक्टर ने मुझे फाइनली कब छोड़ा, कुछ भी कह सकते हो, तो वो क्या होगा आपका कंप्लीशन टाइम। तो यहां पे मेरा जो कंप्लीशन टाइम क्या आ जाएगा, 6 बजे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी बीच में जो उसके साथ दुर्घटना हुई है, जो भी चीज है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बात आती है बर्स्ट टाइम की, ठीक है जी। बर्स्ट टाइम सपोज कर लो, डॉक्टर को कॉल करते हो क्लिनिक में, रिसेप्शनिस्ट उठाती है, आपने प्रॉब्लम बताई कि दांत दिखाने हैं, मुझे ये चीज हुई है, वो चीज हुई है, रिसेप्शनिस्ट से पूछते हो कि मैम मुझे कितना टाइम लग जाएगा इलाज में, तो मैडम कहती है कि भाई आपको डॉक्टर देखेंगे तो आपका इलाज मेरे हिसाब से 20 मिनट में आपका ये जो आपकी दिक्कत है डेंटिस्ट के अंदर जो भी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा, 20 मिनट के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, जिसका मतलब क्या हुआ, वो आपका क्या हुआ, बर्स्ट टाइम हुआ, कितनी देर में आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब जो डॉक्टर के पास आप जा रहे हो जिस काम के लिए
वो काम कितनी देर में खत्म होना चाहिए, 20 मिनट में, तो वो क्या हो जाएगा आपका बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम देखो क्या हो जाएगा मेरे लिए, मैंने मान लिया जब मैडम कह रही है रिसेप्शनिस्ट 20 मिनट, ठीक है जी, आर ले लीजिए, इसे आर ले लीजिए, ओके आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्स टाइम की बारी आती है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये दरवाजा है, ये इसका ऑफिस है, आपका टारगेट क्या, मैं यहां से यहां तक तो पहुंचू पहले, ठीक है जी। सपोज करो बीच में वेट किया, कुछ भी किया, बाद में देखेंगे, आप यहां पे आ गए कितने बजे, 5 बजे, 5 बजे आप इसके ऑफिस में आ गए अंदर, जहां पे मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने आपका इलाज करना शुरू कर दिया। भाई आप घुसे तो 2 बजे थे, बट 5 बजे डॉक्टर ने आपको देखना शुरू किया, वो क्या होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने आपको देखा कब, 5 बजे आया, तो मैं 2 बजे का हूं, बैठा हूं, क्या करूं, इतनी लाइन है, कुछ भी है, बट डॉक्टर मुझे कब देख रहा, 5 बजे, 3 घंटे पागल हो गया मैं, सीधी सी बात। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा मेरा, 3 घंटे का, ठीक है जी। 5 बजे से 2 माइनस करें, ना ध्यान रहे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में भी लिखा कि सीपीयू कब मिला, डॉक्टर कब मिला, मिलने कब गए थे, डॉक्टर कब मिला, सीपीयू कब मिला, सीपीयू लेने कब गए थे, डॉक्टर से मिलने कब गए थे, डॉक्टर मिला 5 बजे, मिलने गया था 2 बजे, वही चीज मैंने करी है, 5 बजे से 2 गए, 3 घंटे क्या हो गया मेरा रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार देखने में डॉक्टर ने मुझे 3 घंटे लगा दिए, सीधी सी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टर्न अराउंड टाइम, ओके भाई। टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है कि भाई टोटल आपको टाइम कितना लगा, सीधी सी बात, सारा मिला के, चाहे आप वेट कर रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, चाहे डॉक्टर के पास टाइम नहीं मिला अभी, चाहे वो वेट करवा रहा, कुछ भी हो, सारा मिला के टाइम कितना लगा, जिसे हमने क्या कहा, कंप्लीट कब हुआ और आया कब था, यानी देखो काम खत्म कब हुआ, 6 बजे, फॉर्मूले में डालते सीधी सी बात, अपने आप आंसर मिल जाएगा। डॉक्टर से काम कब खत्म हुआ, 6 बजे, भाई डॉक्टर को लेने कब आया था मैं, डॉक्टर के पास मिलने कब गया था, एग्जैक्टली, ठीक है, मिलने गया था 2 बजे, क्या हो गया, 4 घंटे में जाके मैं भाई फ्री हुआ हूं, 2 बजे का घुसा हुआ, 6 बजे निकला हूं, सीधी सी बात, टर्न अराउंड टाइम कंफ्यूजन हो जाए, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, ओके। वेटिंग टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मजा आएगा थोड़ा सा, एक बार चेक कर लूँ स्क्रीन में आ रहा है इतना, नीचे नहीं आ रहा, आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल टाइम स्पेंट इन वेटिंग क्यू, हिंदी में क्या बता रहा है, टोटल टाइम खराब कितना हुआ, कितनी देर इसको सारा मिला के वेट करना पड़ा। एक छोटी सी चीज समझेगा यहाँ पे, सपोज करो 2 घंटे, 2 बजे आप आए, 5 बजे आपको क्या मिला, डॉक्टर मिला, 3 घंटे तो आपके खराब हुए, आपने क्यू में इंतजार किया, ठीक है। 5 बजे आप एंटर, डॉक्टर ने देखना शुरू किया, और 6 बजे आप निकले, मगर एक चीज बताओ काम कितनी देर का था आपका, 20 मिनट का। रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा था, भाई डॉक्टर जब देखना शुरू करेगा 20 मिनट में आपको फारिग कर देगा, छुट्टी कर देगा। डॉक्टर के अंदर जाने के बाद आपको लगा कितना, 1 घंटा, मतलब आपका 1 घंटा में से भी अगर 20 मिनट का टाइम निकालोगे कितने मिनट हो, 40 मिनट, 40 मिनट ये खराब कर दिए डॉक्टर ने, हो सकता है इलाज करते करते फोन आ गया, बैठ गया हो भाई, क्या करें, बात करनी पड़ेगी, कोई और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, तो दवाइयाँ बेचने वाले आते हैं उनको भी अटेंड करना है, ठीक है जी, आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, चाहे डॉक्टर की कॉल आए, रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ भी है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों, आपको तो सिर्फ 20 मिनट का आ गया था, आपका काम खत्म हो जाएगा, बट टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटे लग गए, यहाँ पे 1 घंटे में से 20 मिनट लगाओ, 40 मिनट हो, डॉक्टर ने खराब कर दिया, टोटल टाइम कितना खराब हो गया, 3 घंटे 40 मिनट, मतलब कि अगर देखा जाए फॉर्मूले में पुट करना, सीधी सी बात है, टैट माइनस बीटी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी, इसका मतलब क्या हुआ, टैट कितना था आपके पास, टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे आपको लगे थे, ठीक है, 4 घंटे आपको लगे थे टोटल मिला के, काम कितनी देर का था भाई आपका, काम कितनी देर का था, काम था 20 मिनट का, टोटल कितना टाइम खराब कर दिया डॉक्टर ने आपका, 3 घंटे 40 मिनट आपके खराब कर दिए, वो आपका क्या हुआ, वेटिंग टाइम, चाहे बाहर कुर्सी में बैठ के बिताओ, चाहे डॉक्टर की वजह से खराब हो या किसी और वजह से खराब हो,
सारे टाइम को एड अप जब कर दोगे तो वो आपका होता है वेटिंग टाइम। कई बंदे क्या समझते हैं वेटिंग टाइम क्या होता है, जब आपको सीपीयू मिल गया तो उससे पहले आपने रेडी क्यू में जो टाइम इंतजार किया वो आपका क्या वेटिंग टाइम है, वो गलत है। सारा मिला के स्टार्ट से लेके आखिरी तक जितना भी आपने वेट किया, कहीं पे भी किया हो, कैसे भी किसी वजह से रीजन से इंटरप्ट आई हो चाहे कोई और दिक्कत आई हो, वेट आपको करना पड़ा, तो वो आपका वेटिंग सारा मिलाओ, वेटिंग टाइम निकालो, वो होता है आपका वेटिंग टाइम। तो ये था एग्जांपल, 2 बजे आया, 6 बजे निकल गया, 5 बजे मुझे डॉक्टर मिला, 5 बजे को क्या कहा रिस्पॉन्स टाइम, मतलब टाइम माइनस करके आएगा, ठीक है जी। इसमें से 2 बजे अराइवल टाइम कंप्लीट, कितने बजे बाहर, कितने बजे निकला, 6 बजे, फॉर्मूला आपके सामने। अब आई होप भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस एग्जाम्पल के बाद, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए करवाया क्योंकि जब मैं आपको करवाने ये इन नोट्स की तैयारी कर रहा था, तो जब मैंने न्यूमेरिकल किए मुझे भी दिक्कत हुई, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हुए, मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि यार ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ क्या थी। मैंने तो अपने कॉपी के पेज पलट के देख लिए, एग्जाम के टाइम आप क्या पेज पलट सकते हो, कहीं पे कुछ नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ऐसा आपके सामने डाल रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको हो सके तो ये स्ट्राइक हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ थी वहाँ पे, इस चीज़ से ऐसे निकाला गया था। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखना ताकि कुछ कन्फ्यूजन हो, सीधा का सीधा आंसर निकाल सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आने वाला है शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज, हम देखेंगे बेसिकली कि किस बेस पे जो हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको आपस में किस बेस पे हम ये चेक कर सके कौन सा बेटर है, कौन सा बेकार है, कौन सी क्या चीज हमें बेटर देगा, किस तरीके के प्रोसेस अगर हम चलाएं तो ये एल्गोरिथम ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरियाज देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, आई इस सेक्शन के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे तो मैं कहूंगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, क्राइटेरियाज इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। थैंक यू, लाइक करना मत भूलिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय दोस्तों। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।